हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज माम के लिए लेकर आए हैं टी पार्टी के एग्स। आप देख ही सकते हैं टी पार्टी है तो आप इधर मैक्रॉन्स वगैरह का इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड आप टी पार्टी है तो टी कप्स तो होने ही चाहिए, फ्लावर्स वगैरह भी होने ही चाहिए। तो गाइस इन सारी चीज़ों को आप ट्राई करिए, आपको पसंद आएंगे। फ्लावर्स वगैरह आप ईज़िली बना सकते हैं एंड काफ़ी कूल से इधर इसका लुक भी आ जाता है। इधर डाइस वगैरह भी मैंने बनाए हैं, फ्लावर्स भी बनाए हैं। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं एंड आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स चाहिए हैं तो चैनल की सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस हम आपसे बात कर रहे हैं टी पार्टी केक के बारे में। अच्छा, इसके अंदर हमने टी और केटल से रिलेटेड कुछ केक्स की वीडियोस अपलोड की हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद की केक्स की वीडियोस भी लेकर आएँ, बल्कि लेकर आएंगे तो आप हमें कमेंट्स करके अपनी पसंद भी बता सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स करिए एंड देखें तो कितना खूबसूरत सा इसका केक है। फ्लावर्स से तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आपकी टी पार्टी है तो आप ये केक्स बनवा सकते हैं। काफ़ी प्यारा सा इसका लुक एंड कलर भी आ रहा है। अच्छा, इधर फ्लावर जो है वो आप रियल भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप रियल बनाएं फेक बनवाएं आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इस केक को बेस्ट ज़रूर रखिएगा, आपकी पार्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मीन्स के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से इसको आप बना सकते हैं। अच्छा, टी पार्टी है एंड कप केक्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो कप केक्स को भी ट्राई करिएगा। काफ़ी कूल सा इसका लुक एंड कलर भी आ जाता है। तो गाइस आप इधर फ्लावर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, केटल वगैरह करें। टी भी जो इधर देखें कितनी प्यारा सा टी का सेटअप हुआ हुआ है, काफ़ी क्यूट क्यूट सा लग रहा है। आप अपनी पसंद की भी डेकोरेटिंग आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस बेसिकली काफ़ी कूल सा एंड खूबसूरत सा इसका लुक भी आ रहा है। बटरफ्लाई वगैरह है जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही है। इधर देखें ब्लू एंड पिंक जो हैं कपकेक्स हैं। आप इसको अपने जेंडर रिवील में, बेबी शावर वगैरह में भी इस केक को बना सकते हैं। काफ़ी कूल सा इसका लुक एंड कलर आ जाता है। तो देखें कैटल भी कितनी प्यारी है। इसके कलर जो हैं लाइट रखिए या डार्क रखिए वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी। आपको जिस तरह से पसंद हो, ग्रास वगैरह की आप इधर एडिंग कर सकते हैं। काफ़ी कूल सा एंड ब्यूटीफुल सा इधर लुक आता है। गाइस इन केक को ट्राई करना नहीं भूलिएगा एंड हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये केक एंड इसके आइडियाज़ कैसे लग रहे हैं एंड आप इसको कौन से इवेंट पर ट्राई करना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दादा के स्पून है, बिस्किट्स वगैरह हैं जो काफ़ी कूल सा इसका लुक दे रहे हैं। गाइस इन केक को जल्दी जल्दी से ट्राई करिए एंड हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से केक चाहिए एंड आप उसको कौन से इवेंट पर ट्राई करना पसंद करेंगे। तो देखिए कितना कूल सा पर्पल कलर का केक है एंड बिल्कुल खूबसूरत सा टी पॉट है। तो गाइस ऐसे केक तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, तो आपको अगर देखने को मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जल्दी से इनको ट्राई करिए एंड आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सा आइडिया बेस्ट लगा है एंड आप इसको कौन से इवेंट पर ट्राई करना पसंद करेंगे। तो गाइस जल्दी जल्दी से कमेंट्स करिए, हम आपके कमेंट्स का वेट कर रहे हैं एंड हमें बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से केक चाहिए एंड आप इसको कौन से इवेंट पर ट्राई करना पसंद करेंगे। गाइस जल्दी जल्दी से कमेंट्स करके हमें बताइए, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट्स करिए, फ्लावर्स वगैरह इसमें ऐड करिएगा एंड टी पॉट हो एंड इधर साथ में कैटल वगैरह टी कप हो, ये सब तो मेन है। फ्लावर्स वगैरह की आप इधर एडिंग कर सकते हैं, इसकी खूबसूरती में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है। काफ़ी कूल सा इसका कलर लग रहा है, ग्रीन एंड ब्राउन से इसका लुक है, तो काफ़ी प्यारा सा इसका लुक आ रहा है। इधर देखें जो टी के कप्स वगैरह हैं, बो वगैरह है, मैक्रॉन्स हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल सा ये लुक दे रहा है। अच्छा, इधर आप केक में थोड़ा सा आप जो केक है उस तरह से बना सकते हैं जैसे कार्टून्स वगैरह में होता है, मैक्रॉन्स वगैरह में होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।